शाओमी ने इसी महीने 11 अगस्त को चाइना के मार्केट में अपना नया डिवाइस MI 10 अल्ट्रा लॉन्च कर दिया। तो आज हम इस वीडियो में इसी MI 10 अल्ट्रा की स्पेसिफिकेशंस, लुक्स और इसी डिवाइस का इंडिया लॉन्च के साथ साथ बहुत सारे चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। Xiaomi ने अपना 10th एनिवर्सरी में मेनलैंड चाइना के मार्केट में अपना नया डिवाइस लॉन्च कर दिया। बात करते हैं इसके डिस्प्ले के बारे में। इसमें आपको मिलेगा 6.67 इंचेस का OLED टच स्क्रीन जो कि 1 बिलियन कलर्स को डिस्प्ले कर सकता है। इसके साथ आपको इसमें मिलेगा 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट एंड HDR 10 प्लस सपोर्ट। प्रोटेक्शन के लिए इसमें लगा हुआ है कॉर्निंग का गोरिल्ला ग्लास। फिंगरप्रिंट सेंसर की बात करें तो वो आपको अंडर द डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। बाकी इसमें UFS 3.1 का भी सपोर्ट मिलेगा। प्रोसेसर की बात करें तो इसमें आपको मिलेगा क्वालकम का स्नैपड्रैगन 865 प्लस ऑक्टा कोर प्रोसेसर जो कि 7 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी में बेस्ड है। इसके साथ साथ इसमें आपको देखने को मिलेगा एड्रीनो 650 GPU, तो जो गेमिंग का एक्सपीरियंस है वो एकदम स्मूथ होने वाला है। ये फ़ोन रन करता दिखेगा लेटेस्ट एंड्रॉयड 10 एंड MIUI 12 में। अब जो मेन पार्ट है वो है इसका कैमरा। रियर कैमरा की बात बाद में करते हैं। फ्रंट में मिलेगा आपको 20 मेगापिक्सल का वाइड सिंगल कैमरा से आप लोग 1080p वीडियोस 30fps में रिकॉर्ड कर सकते हैं और इसमें आपको फ्रंट में जायरो UIS का सपोर्ट भी मिलेगा। अब आते हैं रियर की कैमरा में जो कि तबाही है। रियर में आपको मिलेगा 48 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा विथ लेज़र ऑटो फोकस एंड OIS के साथ। उसके नीचे है 48 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस जो कि 120x तक हाइब्रिड जूम को सपोर्ट करता है। उसके नीचे मिलेगा 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस विथ 2x ऑप्टिकल जूम एंड 20 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस वो भी f2.2 एपर्चर के साथ। मतलब एक तरह से इन लोगों ने ये सोच के रखा है कि सब चीज़ हम लोग एक ही फ़ोन में घुसा देंगे। इस क्वाड कैमरा सेटअप के साथ आप लोग 1080p वीडियोस 30, 60, 120, 240 और 960 fps में और 4K वीडियोस 30 और 60 fps में और जो 8K वीडियोस है वो 24 fps में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। बाकी इसमें आपको जायरो EIS एंड HDR 10 रिकॉर्ड का भी सपोर्ट देखने को मिलेगा। बैटरी में आते हैं तो यहाँ पर हम लोगों को 4500 mAh का बैटरी देखने को मिलेगा जो कि 120 वॉट का वायर्ड फर्स्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है और जो 50 वॉट का वायरलेस फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। इस मोबाइल का कंपनी का कहना है कि ये 120 वॉट चार्जर से 0 से 100% 23 मिनट में कर देगा फुल चार्ज और 50 वॉट का चार्जर से जो वायरलेस चार्जिंग है उसमें 0 to 100% 40 मिनट में कर देगा। बाकी अंडर द हुड इसमें NFC, इंफ्रारेड पोर्ट, USB 2.0 टाइप सी और सारे सेंसर्स इंक्लूडिंग बैरोमीटर भी देखने को मिलेगा। बाकी इसमें 3.5 mm का जैक जो हेडफोन का जैक आता है वो नहीं मिलेगा। ये फ़ोन अभी के लिए ऑब्सीडियन ब्लैक, मर्क्यूरी सिल्वर और ट्रांसपेरेंट एडिशन में अवेलेबल है। बाकी इसमें आपको 8GB के रैम से लेकर 12GB के रैम तक और 512GB तक इंटरनल मेमोरी देखने को मिलेगा। बाकी इसकी प्राइस के बारे में बात करें तो इसका जो बेस वेरिएंट है 8GB 128GB मतलब 8GB रैम 128GB वाला इंटरनल वो 5299 युआन अप्रोक्सीमेटली 57,000 इंडियन रुपीज से स्टार्ट होगा। 6999 युआन अप्रोक्सीमेटली 75,200 इंडियन रुपीस तक जाए। ये डिवाइस अभी के लिए सिर्फ मेनलैंड चाइना के मार्केट में ही लॉन्च हुआ है। एक ऑनलाइन रिपोर्ट ने ये क्लेम किया है कि MI 10 अल्ट्रा अभी के लिए Xiaomi के जो होम मार्केट मेनलैंड चाइना है वहाँ के लिए ही बस एक्सक्लूसिव है। बाकी ये फ़ोन ग्लोबली और इंडिया में कब आएगा इसका अभी के लिए कोई कन्फर्मेशन नहीं हुआ है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इस वीडियो में नीचे कमेंट कीजिए कि इस फ़ोन का आपका कौन सा पार्ट अच्छा लगा और आप अगर ये फ़ोन अगर इंडिया में आया तो क्या आप ये फ़ोन खरीदेंगे। अगर आप लोगों ने अब तक हम लोगों का ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।